हेलो ब्रो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो कैसे यार, बीच में के अंदर क्या आप लोग की डिमांड पे ये वीडियो है, क्योंकि यार आप सभी लोगों ने ये कमेंट करना चालू कर दिया है कि भाई न्यू करेक्टर्स कब आएंगे। क्योंकि ये जो करेक्टर्स आप लोग देख रहे होंगे बीजीएमआई के अंदर, इनको आए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब गए सर कहीं दूर दूर तक कोई भी करेक्टर्स नहीं दिख रहे थे। देखो जब तक करेक्टर्स आएंगे नहीं, तब तक आप लोग को जो करेक्टर वाउचर्स होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो, अरे ये का दिखा दिया मैंने, ये देख सकते हो कि ये करेक्टर वाउचर्स हैं 800 मेरे पास। तो जब तक कोई करेक्टर आएगा नहीं, तब तक करेक्टर वाउचर्स के इवेंट आएंगे नहीं। तो फाइनली गाइस थोड़ी सी एक हिंट आई है करेक्टर्स को लेके, जो कि आज की वीडियो आप लोग को पता लगने वाला है कि वो कब आएंगे एंड कैसे क्या चीज़ें होंगी, सब कुछ ए टू जेड आज की वीडियो में पता लगेगा। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना एंड चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस सर, बीजीएमआई हो या पबजी मोबाइल हो, सब में यही परंपरा चलती चली आ रही है कि बीजीएमआई के अंदर या पबजी के अंदर जब भी कोई करेक्टर्स के इवेंट आने, करेक्टर वाउचर्स के इवेंट आने वाले होंगे, तो उससे पहले उससे पहले हम लोग को कुछ करेक्टर्स ज़रूर देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट में हम लोग को यहाँ पे देख सकते कि लेरेंजो आया था, रैली आए थे, दो ऐसे करेक्टर आए थे जो ऐड हुए जल्दी बीजीएमआई या पबजी मोबाइल के अंदर। तो इनमें हम लोग को करेक्टर वाउचर्स के इवेंट देखने को मिले थे, जिसमें कि टोटली आप लोग को 800 के करीब करेक्टर वाउचर्स देखने को मिले होंगे। अब जिन्होंने यूज़ कर लिया होगा तो उनके पास जीरो हो चुके होंगे, जिन्होंने नहीं करा मेरी तरीके से उनके पास करेक्टर वाउचर्स होंगे। तो यहाँ पे देखो करेक्टर वाउचर्स की बात इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि ये जो करेक्टर्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा ईपिक है। कभी कभी करेक्टर कुछ ऐसे आते हैं जो कि लोगों को बहुत पसंद आते हैं, लाइक आप लोगों को ऐना ले सकते हो, चाहे आप विक्टर ले सकते हो। विक्टर तो शायद कि फ्री में मिला था, लेकिन जैसे कि सारा हुई, तो ये सारे जो करेक्टर्स हैं ये बहुत सारे बंदों को अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि देखो बहुत पहले बीजीएमआई के अंदर कुछ कोलैब हुए थे, जैसा कि जैसे जोजुत्सु काइज़न वाले, जिसमें कि उनके कुछ करेक्टर्स मिले थे, जैसा कि उनका इमोट मैं आपको दिखा सकता हूँ। उनके आउटफिट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पे उनके इमोट्स देख सकते हो, जैसे कि ये सारे इमोट हुए। जैसे कि ये करेक्टर थी VI करके नाम था इसका, और एक ये करेक्टर थी जिसमें ये देख सकते हो, मैंने उनका नाम नहीं पता मेरे को इन सभी का, लेकिन इनमें आपको चार करेक्टर्स देखने को मिलते थे। तीसरा ये था जिसका नाम था सेटिलेन, कुछ ऐसा नाम है, और चौथा ये था जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये जो चारों करेक्टर थे ये वन ऑफ द बेस्ट करेक्टर हुए और बेस्ट इमोट्स दिए, साथ में फ्री आउटफिट तो फ्री में नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे बंदों ने पैसे लगा के ओपन कर लिया। तो गए सर कुछ इसी तरीके से बीजीएमआई एंड पबजी के अंदर 3.0 अपडेट के अंदर कोलैब होने वाला है। और ये जो आउटफिट मैं पहना हुआ हूँ ना, ये भी कुछ इसी तरीके से, मतलब आप लोग इवेंट में बोल सकते हो कोलैब हुआ था, तभी ये भी मिला था मेरे को ये वाला आउटफिट। तो इसी तरीके से बीजीएमआई और पबजी वाले के अंदर 3.0 अपडेट के अंदर कोलैब होने वाला है, जिनका नाम है हंटर एक्स हंटर। कोई भी एनिमे का जब कोलैब होता है, चाहे पबजी मोबाइल हो, चाहे बीजीएमआई के अंदर हो, चाहे अभी होने वाला 3.0 अपडेट के अंदर हंटर एक्स हंटर, तो उसमें हम लोग को कुछ इस तरीके से आउटफिट, मतलब इन सारे के करेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। अब गाइस देखो, ये जो सारे करेक्टर हैं ये आपको बता दूं, जैसे कि हम लोग को हो सकता है कि जो डिस्कवरी इवेंट चलता है, जैसे कि बीजीएमआई में 2.9 अपडेट के अंदर हम लोग को डिस्कवरी इवेंट, आप लोग बोल सकते हो कि आरएस का डिस्कवरी इवेंट चला था, जिसमें कि गाइस सर आरएस के पूरा आउटफिट मिला था, मतलब रणवीर सिंह का आउटफिट हुआ, वॉइस पैक हुआ, मटेरियल्स आपको पता है कितने ज़्यादा फ्री में मिले हैं, मतलब बोलो तो फ्री में तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इतने मिले कि लोगों को लग रहा है फ्री में मिल रहा है। तो गाइस यार, जितना मुझे सुनने में मिला है कि जो कोलैब होने वाला है हंटर एक्स हंटर का, बिल्कुल इसी तरीके से कोलैब होने वाला है डिस्कवरी में। अभी गाइस सर आइए मैं आप लोगों को इनके करेक्टर्स दिखा देता हूँ। तो गाइस अगर आप लोगों ने ये वाला एनिमे देखा है तो कमेंट जरूर कर देना। आइए गाइस देखो, सबसे पहले ये करेक्टर होने वाला, आई थिंक ये मेन करेक्टर होने वाला है, मेरे को तो नहीं पता। और ये देख सकते हो, ये जो करेक्टर है ये भी काफी ज्यादा यूनिक करेक्टर है भाई, मतलब एक अलग ही तरीके से। और ये मुझे लगता है कि ये मतलब वैसा बच्चा होगा अपने क्लास में कि जो शरारत करता, और ये ऐसी लड़की होगी मतलब जिस पे हर किसी का क्रश हो। तो गाइस अभी आप लोग कहोगे भाई इसमें करेक्टर वाउचर्स इवेंट कैसे आएगा, तो मैं आपको बता दूं, देखो गाइस अभी इसका डिस्कवरी इवेंट लीक नहीं हुआ है, सिर्फ उनके करेक्टर्स लीक हुए हैं। एंड अभी जो जैसे जैसे चीज़ें आगे जाती जाएंगे तो आप लोग को चीज़ें पता लग जाएंगी। एंड मुझे इतना उम्मीद है कि अगर मान लो कुछ ऐसे करेक्टर्स मिलते हैं या कुछ ऐसा कोलैब होता है, तो उसमें जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्री में मिलती है, तो देखना होगा कि इसमें क्या करेक्टर वाउचर्स फ्री में मिलने वाले हैं या कुछ अदर चीज़ फ्री में मिलने वाली है, वो आपको आगे चल के टाइमिंग का सब पता लग जाएगा। गाइस यही था आज की इस वीडियो में, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। एंड गाइस फिर भी कुछ पूछना या कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। चलो गाइस बाय, अपना ख्याल रखना यार, लव यू ऑल।